The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. बुरा था ना ये रात को भाई, एक शॉट लेने आए खतरनाक वाला, तो वो शॉट लेने से पहले आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस और उसके बाद होने वाले रिएक्शंस, मेरी गलती और की गलती। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ बॉय तारा यासीन, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैमरा वर्क्स। सबसे पहले ही मैंने बोरिंग चीज़ बोल दी और लोग पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और बस इन दोनों पे ही मैंने पोल डाला कि सबसे पहले किस बारे में बात करें, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हाउ कैमरा वर्क्स, या फिर सबसे पहले क्या ख़रीदा जाए। और सबसे कम पोल आया मेरे कि कैमरा किस तरीके से काम करता है, क्योंकि पीपल डोंट केयर अबाउट हाउ इक्विपमेंट्स वर्क, चीज़ किस तरीके से काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। बस फोटोग्राफी आनी चाहिए, वीडियोग्राफी आनी चाहिए और ऑन फील्ड काम कर रहे हो, मगर उससे पहले आपका कैमरा किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब मालूम ही नहीं करना। अगर आपको वो सब मालूम होगा तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा कमांड हासिल होगी, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी को बता सकोगे कि आप क्या कर रहे हो, ये किस तरीके से काम करता है। और ये वाली वीडियो इतनी बोरिंग होने वाली है तो मुझे बहुत डर था। ये वीडियो मैंने बना के रखी थी एक और तरीके से, मगर वो मुझे लगा यार बाबा ये बहुत बोरिंग होने वाली है, मैं खुद बोर हो गया, मैं बोलते बोलते बोर हो गया, भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने डिसाइड करा कि इस वीडियो के साथ कुछ और आना चाहिए, तभी ये वीडियो थोड़े अलग तरीके से। मैंने सबसे पहले कॉल मिलाई बजाज को कि भाई अपने चाय स्नैप को अलग लेवल पे ले चलते हैं, जिसका खामियाना मैं अभी भुगत रहा हूँ। ये वीडियो मैं पहले बना चुका था प्रॉपर तरीके से, उसके साथ वाला सीक्वेंस शूट कर चुका था, और फिर जो सीन हुआ ना आपका भाई बैठ गया, वो आप देख ही चुके होंगे इंट्रो पे। तो अब ज़्यादा बकबक नहीं करते और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं DSLR से। DSLR का फुल फॉर्म डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसी अल्फाज के साथ मैं सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है SLR छोटे से कैमरा होते हैं जिनको लेंसेज चेंज नहीं होते हैं, या फिर बिल्कुल छोटे से इसका व्यू फाइंडर नहीं होता है उसको वो बोल देते हैं SLR है या SLR है। SLR बेसिकली आप DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स से आप डिजिटल निकाल लो, और एक चीज़ को आप डिजिटल निकाल दो तो वो चीज़ एनालॉग हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप DSLR में से इसका डिजिटल सेंसर निकाल दो तो ये एनालॉगली इसके अंदर फिल्म लगेगी, जो कैमरेज में फिल्म लगती थी और एक लेंस के थ्रू पिक्चर आती थी उसके अंदर, वो होते थे SLR, ना कि छोटे वाले कैमरा जिनके लेंसेज चेंज नहीं होते, वो नहीं, जिनके अंदर फिल्म लगती थी वो होते थे। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स से क्या मतलब है कि ये इसके अंदर इमेज एक लेंस से आती है, इसके आगे सिर्फ एक ही लेंस लगा हुआ है। क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पीछे जाएं तो उस तरीके से भी कैमराज होते थे कि इसके दो लेंसेज होते थे, एक लेंसेज व्यू फाइंडर के लिए जिसके थ्रू हम इमेज देखते हैं,
और दूसरा लेंस जिससे आप पिक्चर आपके उस पर आ रही थी। पहला वाला लेंस सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए होता था कि आप किधर की पिक्चर खींच रहे हो, लेंस बाकी काम करता था जो आपको नहीं दिखता था अंटिल अनलेस आपके वो इमेज वॉश आउट नहीं हो जाती थी, मतलब के धुल जाती नाम सुना है। फिर इसके बाद आया SLR के अंदर रील लगती थी और उसी चीज़ को अपग्रेड करके डिजिटली करके बने हैं DSLR के बाद है मिररलेस। मिरर DSLR और मिररलेस के अंदर मेजर डिफरेंस सिर्फ मिरर का है जो इसके बारे में है, मेजरली नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब कि एक डिफरेंस मिररलेस नाम दिया हुआ तो आप समझ जाओगे उसका जो मिरर है वो उसके अंदर नहीं है, बाकी काफ़ी चीज़ें। अगर आपको मिररलेस की एक छोटी सी एग्जांपल लेनी है तो आपका मोबाइल कैमरा है, सही है, मगर अभी हम वो सारी बातें अलग वीडियो के लगते हैं डिफरेंस बिटवीन DSLR एंड मिररलेस। अभी हम आते हैं DSLR का। तो DSLR काम किस तरीके से करता है, DSLR के अंदर जो मेन चीज डिफरेंस करती है वो क्या है, मिरर, हाउ मिरर वर्क्स। आपको मिरर दिख रहा है मगर देखो अगर ये वाला पोर्शन व्यू फाइंडर से अलग है, ये चीज नीचे है ये चीज ऊपर है, मुझे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि व्यू फाइंडर के थ्रू दिख रही है, व्यू फाइंडर से रिफ्लेक्ट होके मुझे इमेज दिख रही है। तो यहाँ से मिरर से इमेज आती है जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और ऊपर एक है प्रिज्म जिसके थ्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट होके मुझे व्यू फाइंडर से दिखती है, सही है। मेरा खुद का एक मिसकॉन्सेप्शन था कि शटर जो है ना ये जो मिरर है यही शटर होता है, मगर ये शटर नहीं होता, शटर इसके पीछे होता है। देखो आपको सेंसर डायरेक्टली नहीं दिख रहा, ये शटर बंद है सेंसर का, सही है। इससे पहले हम थोड़े से बेसिक्स की बात कर लें कि शटर, एपर्चर और ISO। शटर और ISO दोनों रिलेट करते हैं टोटली बॉडी से, सही है, और जो एपर्चर है वो रिलेट करता है लेंस से। तो अभी हम पहले ये दो चीज़ें क्लियर करेंगे, शटर और ISO। शटर मैंने आपको बताया कि शटर लेंस के पीछे होता है। अब देखो अगर मैं पिक्चर कैप्चर करता हूँ तो आपको मिरर ऊपर जाएगा थ्रू सेंसर दिखेगा आपको, मगर ये थोड़ा सा छोटा शटर था, हम लॉन्ग एक्सपोजर पे गए थोड़ा सा देर के लिए शटर खोलते हैं, आपको सेंसर थोड़ी सा देर के दिखेगा, मिरर ऊपर जाएगा और आपको सेंसर दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से काम करता है, आपको थोड़ा सा डायग्रामली बताता हूँ मैं, सही है। ये सेंसर है बॉडी का, आपका शटर मिरर ऊपर गया, इस तरीके से मिरर ऊपर गया तो आपके पीछे दो शटर होते हैं, एक होता है फर्स्ट कर्टन एक होता है सेकंड कर्टन। फर्स्ट कर्टन वो होता है जिससे पिक्चर शुरू होती है और सेकंड कर्टन वो होता है जिससे पिक्चर खत्म होती है। अगर आपका लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर है या आपका सेंसर है, आपका फर्स्ट शटर ऊपर गया इतनी देर तक सेंसर खुला हुआ है, सही है, और फिर सेकंड कर्टन ऊपर आया और ये पिक्चर बंद हो गई, अब पिक्चर बंद हो गई कैप्चर होना। अगर थोड़ा सा फास्ट शटर है तो ये रहा फर्स्ट कर्टन, ये रहा सेकंड कर्टन, ये आपकी स्पीड है शटर की और ये ऊपर आया। अब यहाँ पे जो सेंसर्स है ना ये लाइन बाय लाइन जिस तरीके से ये गुजरा उस तरीके से वो पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी बेंडिंग और मिररलेस के अंदर होती है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ये हो गया आपका शटर, शटर आपकी स्पीड मेजर करता है, स्पीड कम ज़्यादा हर चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ है। शटर से एक लाइट ऐप सेट होती है, दूसरी आपकी स्पीड सेट होती है। आपका ISO टोटली डिपेंड करता है मेरे हिसाब से इन बॉडी, सेंसर का काम है, पूरा का पूरा काम ISO सेंसर करता है, इसका प्रोसेसर करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेंसर साइज से आपका ISO डिपेंड करता है, क्योंकि अब के कैमराज APS-C कैमराज क्रॉप सेंसर कैमराज भी इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि ब्लर सेंसर कैमराज परफॉर्म बेटर विद ISO। इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ, कि बड़े सेंसर के कैमराज के ISO ज़्यादा अच्छे होते हैं, छोटे के कम होते हैं। साइज से अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से अब साइज डजंट मैटर के माइक्रोफोन थर्ड APS-C या फुल फ्रेम अलग वो करते हैं, बस आपको फोकस व्यूइंग एंगल और ये सारी चीज़ें फर्क करती है। तो ISO आपका परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि अच्छा सेंसर है अच्छा प्रोसेसर है कैमरे का तो वो ज़्यादा अच्छा ISO
हैंडल कर सकता है, लो नॉइस हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता है। ISO दूसरे की थोड़ी तरफ चले गई प्रोसेसर के। एक चीज़ ISO डिपेंड करती है लाइट से, और ISO पे दूसरी चीज़ डिपेंड करती है नॉइस। आप जितना ज़्यादा ISO बम्प अप करोगे उतनी ज़्यादा पिक्चर नॉइजी होती जाएगी, सही है। और जितना कम से कम रखोगे, बेस ISO रखोगे, उतनी आपकी इमेज अच्छी क्लियर होगी। दूसरी चीज़ हो गई आपकी शटर। शटर से आपके जितनी स्पीड का शटर होगा उतनी कम लाइट एंटर होगी और उतना आपका मोशन जल्दी फ्रीज हो जाएगा। और जितना आपका स्लो शटर होगा उतना आपका मोशन देर से कैप्चर होगा और उतनी ही ज़्यादा लाइट आएगी, क्योंकि आपका ज़्यादा देर तक विंडो खुली हुई आपकी, तो आपको ज़्यादा लाइट एंड हो रही है। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ पे है लेंस, जो टोटली डिपेंड करता है हमारा एपर्चर। एपर्चर टोटली डिपेंड करता है लेंस पे। देखो मैंने जितना ज़्यादा, अगर ये फोकस कर रहा, आई होप ये फोकस कर रहा, क्योंकि मैं उधर मूव नहीं कर सकता अभी। मैंने जितना ज़्यादा एपर्चर खोला हुआ है उतना ज़्यादा लाइट इन होगी। एपर्चर से भी एक चीज़ होती है लाइट इन होती है, दूसरी चीज़ डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड वो कि क्या कितनी चीज़ फोकस में, सही है। मैंने जितना ज़्यादा एपर्चर खोला हुआ है उतनी ज़्यादा लाइट इन आ रही है। अगर मैं ये पीछे जो मेरा विंडो है, अगर ये मैं पूरी खोल देता हूँ भरपूर लाइट अंदर आएगी, और अगर मैं थोड़ी सी लाइट खोलता हूँ, थोड़ी सी विंडो खोलता हूँ, तो थोड़ी सी लाइट आएगी। सेम चीज़ एपर्चर के अंदर है, जितना ज़्यादा एपर्चर आप खोलोगे उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, जितना कम एपर्चर खोलोगे उतनी कम लाइट आएगी। और एपर्चर का नंबर 1.4, जितना कम नंबर उतना ज़्यादा बड़ा एपर्चर खुला हुआ होगा और उतनी ज़्यादा लाइट इन आएगी और उतनी आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी। ये थोड़ा सा ड्राइंग से समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी देर में उधर जाता है, सही है। और जितना कम और जितना ज़्यादा नंबर में 22f है आपका एपर्चर, उतना छोटा सा इसका होल खुला होगा, उतनी कम लाइट एंटर होगी और उतना ही ज़्यादा एरिया फोकस में होगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर होगी, सही है। इस तरीके से समझते हैं। देखो अगर डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, जितना कम एपर्चर खुला हुआ है उतनी बड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, उतनी ज़्यादा इमेज सेंसर पर क्लियर आती है। और जितना बड़ा एपर्चर खुला होता है ना उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है। जो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर चीज़ होती है ना वो चीज़ सेंसर पे क्लियर आती है, और उस डेप्थ ऑफ फील्ड के आगे पीछे की जो चीज़ होती है ना, फोरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, वो चीज़ शैलो आती है। तो यही हमारी तीन चीज़ें हो गई, शटर, एपर्चर और ISO। सो ये तीन चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, और थोड़ा सा कैमरा के मैकेनिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।